जयपुर चर्चा में सबसे पहले बात सात समंदर पार हिंदुस्तान के जय घोष की। पूरी दुनिया में भारत का कद तेजी से बढ़ रहा है और इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जिस भी देश में जाते हैं वहां सिर्फ मोदी मोदी की गूंज होती है। जी हां, ऐसा ही कुछ दिखा पापुआ न्यू गिनी में। दरअसल G7 सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री जेम्स मारपे ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू लिए। इतना ही नहीं, पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत सत्कार की ये तस्वीरें बताती हैं कि आज दुनिया में भारत का रुतबा क्या है। G7 और क्वाड समिट के दौरान मोदी जहां जहां पहुंचे, मेजबानों ने पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत किया। हर जगह मोदी मोदी का शोर सुनाई दिया। जाहिर है ये तस्वीरें हिंदुस्तान की कामयाबी की तस्दीक करती हैं। बीते कुछ सालों में, खासकर कोरोना महामारी के दौरान, भारत वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभरा है। उसी का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। भारत में बनी वैक्सीन हो या जरूरत की दवाइयां, गेहूं हो या चीनी, भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा। पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। फिजी ने पीएम मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी तो पापुआ न्यू गिनी ने द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगुहू के खिताब से सम्मानित किया है। सदियों से भारत दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश देता आया है। आज भी भारत विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र देकर आपसी सहयोग और विकास की राह दिखा रहा है। भारतीय विचारधारा में संपूर्ण विश्व को परिवार की तरह देखा गया है। वसुधैव कुटुंबकम, इस मूल मंत्र हमारी प्रेरणा है। इस साल चल रही हमारी G20 प्रेसिडेंसी की थीम भी वसुधैव कुटुंबकम के उस सिद्धांत के प्रकाश में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वो भी इसी विचारधारा पर आधारित है। भारत की कोशिशों का असर ये है कि एक राष्ट्र भारत को संकट मोचक के तौर पर देखता है तो दुनिया की महाशक्ति भारत को अजीज दोस्त के तौर पर गले लगाती है। अब ऑस्ट्रेलिया भारत के रंग में रंगने जा रहा है। मोदी अपनी यात्रा के दौरान सिडनी के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया करने जा रहे हैं। यहाँ भारतीय मूल के लोगों की अच्छी खासी तादाद है। हम प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें यहाँ उनसे मिलने का मौका मिला। यानी जहाँ जहाँ मोदी के कदम पड़ रहे हैं, भारत की जय जयकार हो रही है, सम्मान हो रहा है और सात समंदर पार हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन बेहद खास है। श्रीनगर में आज से अगले तीन दिन तक G20 की बैठक चलेगी और इस बैठक में दुनिया के सबसे ताकतवर 20 देशों को 100 से ज्यादा विदेशी डेलीगेट्स शिरकत कर रहे हैं। बिल्कुल, सबसे खास बात तो यह है कि G20 की इस बैठक में नए कश्मीर की झलक भी दिख रही है। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर में भारत की भव्य अगवानी से विदेशी मेहमान गदगद नजर आए। ये तस्वीरें बदलते जम्मू कश्मीर की हैं। यहाँ इन दोनों विदेशी मेहमानों का जमावड़ा लगा है और इसकी वजह भी बेहद खास है।
ये पहला मौका है जब धारा 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर 20 देशों के डेलीगेट्स शिरकत कर रहे हैं। कश्मीर को वैसे तो धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ और डल झील का दीदार अपने आप में ही एक अद्भुत एहसास है, लिहाजा यहाँ आने वाला हर मेहमान यहीं का होकर रह जाता है। यही वजह है कि पारंपरिक पोशाक में विदेशी मेहमानों का स्वागत पूरे श्रीनगर ने बाहें पसार कर किया। श्रीनगर एयरपोर्ट से लेकर शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर तक भव्य नजारा दिख रहा है। सड़कों पर G20 लोगों के साथ बड़े बड़े होर्डिंग्स और पारंपरिक पोशाक विदेशी मेहमानों को खूब पसंद आ रहे हैं। सुंदरता और स्वच्छता के साथ विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इंतजाम ऐसे कि आसमान से लेकर जमीन तक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कुछ एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि खास तौर से जो सिविलियन मूवमेंट है उसको कुछ इलाकों में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, और जितनी भी इमारतें, ऊंची इमारतें श्रीनगर शहर में हैं, उन पर कमांडोज जो हैं उनको तैनात किया गया है। एनएसजी कमांडोज के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सीआरपीएफ और बाकी जो सुरक्षा अमला है वो पूरी तरह से जो है इस सुरक्षा के कामजाम में लगा हुआ है। श्रीनगर की वादियों के बीच डल झील के किनारे शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक हो रही है, और इस बैठक में दुनिया भर के करीब 100 से ज्यादा विदेशी डेलीगेट्स आर्थिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और फिल्म पर्यटन पर मंथन कर रहे हैं। श्रीनगर की ये चहल पहल और रौनक भरी तस्वीरें नए कश्मीर को बयां करने के लिए काफी हैं, जिस कश्मीर में कभी सीमा पार से अलगाववाद और आतंकवाद के बीज बोए जाते थे, उस कश्मीर में आज विकास की बयार बह रही है। और इस बात की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं, जहां पूरा श्रीनगर विदेशी मेहमानों और G20 की बैठक से गुलजार है और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज। श्रीनगर में G20 देशों के टूरिज्म डेलीगेट्स की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में विदेशी मेहमानों की सुरक्षा से लेकर खाने पीने तक के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। यहाँ विदेशी मेहमानों को मोटे अनाजों से बने व्यंजन परोसे जाएंगे, जिसकी तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही है। ऐसे में विदेशी मेहमान श्रीनगर की खूबसूरत वादियों का दीदार भी कर सकेंगे, साथ ही साथ मिलेट डिशेस का आनंद भी उठा सकेंगे। श्रीनगर में G20 टूरिज्म डेलीगेट्स वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक में 20 देशों के 60 मेहमानों का स्वागत मिलेट यानी मोटे अनाज से बने लजीज व्यंजनों से किया जा रहा है। मोटे अनाज से बने लजीज पकवानों को G20 में हिस्सा लेने आए मेहमान खास तौर से पसंद कर रहे हैं। दरअसल एक तो मिलेट से बने व्यंजन बेहद स्वादिष्ट हैं और दूसरे सेहत के नजरिए से काफी फायदेमंद हैं। इस साल ग्लोबल मिलेट्स ईयर मनाया जाता है, तो हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट और JRLM की तरफ से एक कोशिश है कि जो बाहर से मेहमान आ रहे हैं उनको मिलेट्स रेसिपीज पेश की जाए, ताकि इंटरनेशनल गेस्ट्स हैं उनको भी लगे कि कश्मीर जैसे प्लेस में मिलेट्स को प्रमोट किया जाता है। G20 में शिरकत करने आए मेहमानों को मिलेट डिशेज सर्व करने की तैयारी पिछले काफी दिनों से चल रही थी। इस काम में कश्मीर की ट्रेंड खवातीने तन मन से जुटी हुई हैं। इनकी कोशिश मेहमानों को मिलेट से तैयार ऐसी डिश परोसने की है जिसे खाकर वो वाह वाह कर उठे। खास बात ये है कि इन खवातीनों ने बाकी चीजों के अलावा मिलेट की स्वीट डिशेस भी तैयार की हैं। कश्मीर जो है मेहमान नवाजी में माना जाता है, तो हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, जो G20 डेलीगेट्स आ रहे हैं बाहर से उनके लिए हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। हम भी अपनी तरफ से एक छोटी सी हमारी कोशिश रहेगी, हम भी उनको सर्व करेंगे, कश्मीर की मेहमान नवाजी दिखाएंगे। तो इसके लिए ही हम मिलेट्स बना रहे हैं उनके लिए, तो उसी की प्रिपरेशन अभी चल रही है। दरअसल इस साल इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया जा रहा है। दूसरी ओर श्रीनगर में आयोजित G20 की बैठक की थीम टूरिज्म है,
टूरिज्म में लोकेशन की खूबसूरती के साथ ही डिशेज का भी खास आकर्षण होता है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की खवातीन ने मिलेट से बने स्वादिष्ट व्यंजनों के जरिए अगर मेहमानों का दिल जीतने में कामयाब हो जाती हैं, तो इसका असर दूर तक होगा। पर्यटकों को धरती की जन्नत में अगर सेहत से भरपूर लजीज खाना मिले तो भला कौन यहाँ आना नहीं चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको G20 से ही जुड़ी दूसरी तस्वीर राजधानी दिल्ली की दिखाते हैं। यहाँ G20 शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। विदेशी मेहमानों के दीदार के लिए ऐतिहासिक इमारतों को सजाया और सवारा जा रहा है। आपको बता दें कि सड़कों पर शानदार फूल पौधे लगाए जा रहे हैं, जगह जगह G20 के लोगो और सुंदर कलाकृतियां बनाई जा रही है और सफदरजंग में मौजूद मकबरे का कायाकल्प किया गया है। कुल मिलाकर विदेशी मेहमानों को स्वागत उनकी करने के लिए दिल्ली जो है वो सज धज के तैयार है। एक तरफ जहां आज से श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक हो रही है, वहीं G20 शिखर सम्मेलन के लिए देश की राजधानी दिल्ली को भी सजाया और संवारा जा रहा है। दिल्ली की सड़कों को शानदार बनाने के अलावा जगह जगह सुंदर कलाकृतियां बनाई जा रही हैं। सड़कों के किनारे शानदार फूल पौधे लगाए जा रहे हैं। इमारतों की रंगाई पुताई के अलावा ऐतिहासिक इमारतों को सजाने का काम भी जोर शोर से जारी है। इसी के तहत सैकड़ों साल पुराने सफदरजंग मकबरे का कायाकल्प किया जा रहा है। ऐतिहासिक सफदरजंग मकबरा इतना पुराना है कि ये जगह जगह से टूटने लगा है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अब इसे दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है। करीब 30 साल बाद एएसआई ने मकबरे की मरम्मत का काम शुरू किया है। एएसआई की कोशिश है कि मकबरे को उसके पुराने स्वरूप में वापस लौटाया जाए। साल पुराना सफदरजंग का मकबरा दिल्ली की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। ये मकबरा इतना पुराना है कि धीरे धीरे टूटने लगा था। एएसआई ने भारत में होने वाली G20 समिट के चलते इस मकबरे को पुनर्जीवित करने का काम किया है। इस मकबरे के सामने जो फर्श था वो पूरी तरह से टूट चुका था। बालू के पत्थरों से इस फर्श को दोबारा से बनाया गया है। मकबरे के सामने जो फाउंटेन हैं ये चलने बंद हो गए थे, इनमें पानी डाल के इन फाउंटेन्स को दोबारा चालू किया गया है। मकबरे का जो गुंबद है वो उसका पत्थर पीला पड़ने लगा था, अभी भी इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और कोशिश है कि इस मकबरे को दोबारा से इसका पुराना स्वरूप वापस दिया जा सके। भारत में होने वाले G20 समिट के चलते पूरी दिल्ली को दोबारा से सजाया जा रहा है। दिल्ली के सड़कों पे सुंदर सुंदर फूल लगाए जा रहे हैं और एएसआई की कोशिश है कि दिल्ली में जितनी भी पुरानी इमारतें हैं उनको उनका पुराना स्वरूप वापस दिया जा सके और दिल्ली को एक पुरानी इमारतों का शहर दोबारा से बना दिया जाए। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। भर में एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया है। जी हाँ, भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर इतिहास रच दिया है। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। दरअसल गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पे 15 मई से 19 मई के बीच करीब 112 किलोमीटर की सड़क बनाई गई। अपने विभाग के इस काम से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी गदगद नजर आए। ये सड़क विकास के रफ्तार की मिसाल है। महज 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में मिसाल कायम की है, विश्व कीर्तिमान बनाया है। ये पॉसिबल हुआ जो आइडिया था कि एक टारगेट हमने लिया था कि हम 100 घंटे में 100 किलोमीटर करेंगे, तो उसके लिए एक मेटिकुलस प्लानिंग हमने किया था 2-3 हफ्ते से कि कैसे इसको प्लान करेंगे, उसके लिए मशीनरी का क्या रिक्वायरमेंट होगा, प्लांट्स का क्या रिक्वायरमेंट होगा एंड सबसे बड़ी बात जो है क्वालिटी और सेफ्टी। क्वालिटी और सेफ्टी के लिए हमने एडिक्वेट जो हमारे मैन पावर थे और भी एडिशनल मैन पावर हमने डिप्लॉय किया था एंड उनको एक प्रॉपर प्लान तरीके से शिफ्ट वाइज कौन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेगा
आठ आठ घंटे के शिफ्ट में हमने टीम को डिवाइड किया था। तो आप जैसे देख पा रहे हो ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा इंजीनियर्स हमारे खाली क्वालिटी और प्लानिंग के लिए थे। इस सड़क को बनाने के लिए मजदूरों और इंजीनियर्स ने 8-8 घंटे शिफ्ट में काम किया। एक शिफ्ट में कम से कम 100 इंजीनियर और 250 मजदूर काम करते थे। औसतन हर मिनट करीब 3 किलोमीटर की सड़क तैयार की गई। चिलचिलाती गर्मी की वजह से काम में बाधा न आए इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए थे। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर वक्त एक एम्बुलेंस तैयार रहती थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस कामयाबी पर ट्वीट करके बधाई दी। ऑपरेटर का, लेबर का, सबका शिफ्ट दिया हुआ है, अपने हिसाब से भी ड्यूटी कर रहे हैं। कोई दुर्घटना ना हो, मशीन साथ दे रहे हैं, मशीन के साथ में काम कर रहे हैं। हम जब यहाँ खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हमें इस धूप में इतनी गर्मी लग रही है, आपने उस धूप को बर्दाश्त किया। जिस वक्त डामर पड़ रहा होगा उस वक्त और हीट निकलती है, गर्मी कितनी थी, कितना परेशान हुए, कितने चैलेंजेस थे आपके लिए? देखिए हम लोग का सर शुरू से प्रैक्टिस है, काम करते हुए हम लोग का हमेशा नॉलेज है, हम इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हम किसी काम के लिए मतलब पीछे नहीं हटते। इस सड़क को बनाने में पर्यावरण का भी पूरा ख्याल रखा गया। ये सड़क पूरी तरह रिसाइकल्ड मटेरियल से बनी है। इस सड़क को तैयार करने का मटेरियल 6 हॉट मिक्स प्लांट में तैयार किया गया। इस सड़क से देश को निर्माण की रफ्तार बढ़ाने का एक नया मॉडल भी मिला है। इस मॉडल के जरिए आने वाले वक्त में हाईवे और एक्सप्रेसवे को और कम वक्त में तैयार किया जा सकेगा। मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में दुनिया में तेजी से बदलाव नजर आ रहे हैं, चाहे क्षेत्र कोई भी हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह इस्तेमाल किया जाने लगा है। बिल्कुल, अब सिक्योरिटी और वेटर के अलावा किचन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दस्तक हो चुकी है। यानी कि आपको क्या पकाना है, क्या खाना है, ये भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आप पता कर सकते हैं। देखिए मेरे सहयोगी नीतू झा की रिपोर्ट। मान लीजिए मैं आपको स्पिनच देती हूँ, अभी देखिए आपको बड़ी स्क्रीन पे तस्वीर दिखेगा, आप आवाज मेरी सुनेंगे लेकिन आप स्क्रीन के जरिए देख पाएंगे कि ये क्या बनाकर देता है आपको। अगला हम ले लेते हैं कॉर्न। चलिए आज हेल्दी खाना बनाया जाए, हमने कॉर्न ले लिया है। बिल्कुल, अब हम चलिए ले लेते हैं बीटरूट। और मान लीजिए क्योंकि अब हम हेल्दी बना रहे हैं, हम पनीर भी ले लेते हैं इसमें। ठीक है, हमने इसमें डाल दिया पनीर। पनीर ये ले रहा है। बिल्कुल, आपको बड़ी स्क्रीन पे तस्वीर दिख रहा होगा। और अब हम देखेंगे कि क्या रेसिपी बना के तैयार करता है। और अब ये जो प्रोसेस है ये आपको एक रेसिपी ऐसे बना के देगा। आपको कुछ देर देखिए, इसने बना दिया है चिल्ड बीटरूट एंड कॉर्न इन पनीर बंगाली स्टाइल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब खाने की दुनिया में भी दस्तक दे चुका है। दरअसल ये नायाब और अनोखा प्रयोग किया दिल्ली IIIT में रिसर्चर प्रोफेसर गणेश बगला ने। बीते 8 साल से वो इस पर शोध कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कंप्यूटेशनल गैस्ट्रोनॉमी की एक ऐसी दुनिया बनाई जिससे खाना बनाना जैसे टाइपिंग गेम सा हो जाएगा। पिछले 8 साल में डेटा कलेक्ट करना, उसको क्यूरेट करना, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, अल्गोरिदम्स बनाना, और आज जब हमने एक दो तीन साल पहले सोचा कि भाई क्यों ना हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए कोई शेफ, कोई एक्सपर्ट कुक जैसे नई रेसिपी बनाने की सोच सकता है, क्या कंप्यूटर शेफ की तरह सोच सकता है, ये सोचते हुए ये अल्गोरिदम बनाया है इस सारे नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए। तो अब रोज रोज नया खाना क्या और कैसे बनाया जाए, कोडिंग से तैयार हुआ ये एल्गोरिथम आपको इस झंझट से पूरी तरह निजात दिलाएगा। चलिए अब बात एक ऐसे प्रयोग की जिसे आपकी फूड प्लेट को न्यूट्रिशनल वैल्यू का पता लगाया जा सकेगा। देखिए इस व्हाइट डिश ऐप से क्या कमाल हो रहा है। बिरयानी जो यहाँ पे बनी बनाई आई हुई है, हम अगर इसको मेरे ऐप को उस पे आप लगाएंगे व्हाट डिश, तो ये बता रहा है कि ये बिरयानी है, उसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन से चित्र में कौन सा भाग है जिसमें बिरयानी दिख रही है। और अगर मैं इसको क्लिक करूं तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि ये बिरयानी मेरे लिस्ट में आ चुकी है। और अगर मैं इसकी लिस्ट में देखूं तो अंत में मुझे दिखेगा बिरयानी है और उसकी
कैलोरीज कितनी है, 292 कैलोरीज, 292 कैलोरीज है ये मुझे दिखा रहा है। जी हाँ, मैक्रोज जो होते हैं कई सारे, वो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, उसकी भी ये मात्रा बता देता है आपको। अब ये सब देखकर सवाल उठना लाजमी है कि क्या आने वाले वक्त में हमें केवल इंग्रेडिएंट्स डालकर खाना हासिल होने वाली भी सुविधा मिल पाएगी। वैसे आप भी ऐसी कोई नई रेसिपी रोजाना बना सकते हैं, और इसे मैं इतना तो कहूंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब कुकिंग की दुनिया में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। विजय दलवीर के साथ नीतो जागुनिया सुने। दिल्ली में अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर गाड़ी चलाने की बारीकियों को अच्छे से जानते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस पाना आपके लिए बेहद आसान हो सकता है। देखिए, आपने अगर बिना किसी गलती के टेस्ट पास कर लिया तो आपको आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। लाडोसराय टेस्ट ट्रैक के ऑटोमेटेड होते ही अब दिल्ली में सभी टेस्ट सेंटर पर कंप्यूटराइज टेस्ट की व्यवस्था हो गई है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एट फॉर्मेशन में जाएंगे हम लोग। एट फॉर्मेशन में, यानी कि आठ बनाएंगे। अगर आप में बेहतर ड्राइविंग स्किल हैं, आप गाड़ी चलाने की बारीकियों से अच्छे से वाकिफ हैं, तो दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको इधर उधर भागदौड़ करने की कोई जरूरत नहीं। दिल्ली में अब ड्राइविंग टेस्ट पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो चुका है, मतलब ये कि इसमें किसी भी तरह की मानवीय दखल नहीं होगी, बल्कि पूरी प्रक्रिया कंप्यूटराइज्ड है। आप टेस्ट पास कीजिए और ड्राइविंग लाइसेंस पाने के हकदार बन जाइए। दिल्ली में अब 100% कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग टेस्ट की व्यवस्था हो गई है। लाडोसराय ट्रैक के ऑटोमेटेड होने के बाद अब यहां 16 ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक हो चुके हैं। यहाँ पे जैसे बाकी दिल्ली के अंदर टेस्ट ट्रैक हैं, वो एक तो लर्नर लाइसेंस लेने के बाद अपनी ऑनलाइन स्लॉट लेते हैं, और आज की डेट में वो हमारी एक सेवा मुहैया कराई गई जिसके तहत लोग किसी भी जगह पे, जो चाहे वो घर के पास हो चाहे दफ्तर के पास हो, अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। टेस्ट के दौरान आपको कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। सबसे पहले आपको रिवर्स एस पूरा करके दिखाना होगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर रिवर्स एस बनने जा रही है। पहला, सबसे पहला बैरियर है जिसको आपको क्रॉस करना है। इसके बाद आठ फॉर्मेशन का नंबर आएगा। ये देखिए, क्रॉस एट हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे साफ तौर पर, पूरा एट बन रहा है। आगे ट्रैफिक जंक्शन की प्रक्रिया होगी। इसमें क्या है, जिगजैग हम निकाल रहे हैं यहाँ से। अच्छा, जिगजैग निकाल रहे हैं हम लोग। इसके बाद रेड लाइट पर रुकना और फिर लाइट के ग्रीन होने पर मूव करना होगा, और उसके बाद पैरेलल पार्किंग पहुंचना होगा। अब ये चौथा पैरेलल पार्किंग है, हमको पैरेलल पार्किंग करके दिखानी है यहाँ पर। आगे स्लोप की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसे पार करने के साथ ही रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। हम लोगों ने ये इनिशिएटिव किया, दिल्ली में जितने भी अब ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, टेस्टिंग सेंटर्स हैं, उसमें अब 100% कंप्यूटराइज टेस्टिंग है, देयर इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन। दिल्ली अब 100% कंप्यूटराइज टेस्टिंग करता है। इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जो लोग ड्राइविंग में अब एंटर कर रहे हैं, जो अपनी गाड़ी कार पे चला रहे हैं, अब वो हमें पूरा इस चीज का कॉन्फिडेंस है कि वो पूरे फुली ट्रेंड हैं। साफ है कि फुल ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट के कई फायदे होंगे। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के आंकड़े ये बताते हैं कि हर साल देश में 1.5 लाख लोगों की मौत रोड एक्सीडेंट में होती है। ऐसे में मारुति और दिल्ली सरकार के जरिए शुरू किया गया ये इनिशिएटिव बहुत ही काम का है, और इससे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में एक्सीडेंट की संख्या में कमी देखने को मिले। हर्ष वर्मा, GNT दिल्ली। और चलिए, तो वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, तो कल फिर हाजिर होंगे गर्मा गर्म चाय के गुड न्यूज की फ्रेश डोज लेकर, जहां शानदार तस्वीरों का नजराना लेकर, सकारात्मक पहल से जुड़ी उन हकीकतों को लेकर जो खबरों की शक्ल ले चुकी है। बिल्कुल, उन नई दास्तानों की भी चर्चा करेंगे जो देश और समाज के लिए नजीर बन चुकी है, प्रेरणा बन चुकी है। बिल्कुल, चाय पर चर्चा में कल फिर आपसे होगी मुलाकात। साथ बैठकर चाय पियेंगे, खबरें सुनेंगे। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।